राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा, जो सरगुजा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आना जाना साल में 3-4 बार होता रहता है। सरगुजा जिले के विकासखंड बतौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्याडी का एक ऐसा ही मामला है, जिस पर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। घर साफ ल खत्म कर दी तो धान खाई दी, धान खाई दी, वही 4 क्विंटल वही धान खाई से है। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये हाथियों का दहशत को अपने आप में दिखाता है। किस तरह से हाथियों ने कहर ढाया होगा इन मासूम, इन गरीब लोगों के घरों पे। दरोगा आए तो कहां दरोगा, उन्हें प्लास्टिक और 1,000 रुपया उन्हें बता बाबू बता से जेल में 1,000 रुपया उन्हें दी ही प्लास्टिक तुमन छवा के कोना तहा फेन ओ पैसा दे राखी उन्हें प्लास्टिक ले लुकन उन्हें छाए हन रात हां वही हमन बताएं तो वीडियो बने रही हमार सुनमे और इकला है ओ पौर साल वही बुधन हरे कर पड़ोसी मनकर ओमन कर बन चौकी बन के सोमन कर हाँ ओमन कर बन गई गोना कर और बुधन कर हाँ तो ये सब मोरे इकला निकली से है और काम चालू करे हूँ तुमन बन गई हमार तो धनी मार। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लोगों को स्वीकृत हुआ है? अभी 18 जने का हुआ है सर, जिसमें ये पहाड़ी कोरवाओं के बारे में बताएंगे, जिनका घर को हाथियों ने कुछ समय पहले तोड़ दिया था, उसके बारे में एक बार बताएंगे कि उनको क्या मिला। उनके लिए तो पहले फॉरेस्ट वाले पैसा दे दिए हैं बोले जी जी। और ये जो बुधन लोगों के नाम पे था, उनको मिला क्या? उनके लिए प्रधानमंत्री आवास है सर बुधन के लिए। अभी किस स्तर पर है काम? चालू है सर, अभी पूर्ण नहीं हुआ है जी, अभी तो हुआ है स्वीकृति, उनके खाते में पैसा भी आ गया है। जिस पर मेरे वीडियो का असर यह हुआ कि आज बुधन राम को 50,000 रुपये स्वीकृति बतौर कुटीर मकान हेतु प्रदाय किया गया है, तथा दूसरा बुधन राम जिसको 1,50,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के तहत आवंटित की गई है, तथा सरपंच का कहना है कि उसके खाते में पैसा भी डाला जा चुका है और उसका कार्य प्रारंभ है। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ट के लिए।